बोल पार्वती माता की जय, भोलेनाथ की जय। पार्वती माता जी, राजा दक्ष रे घरे जन्म लियो, शिव जी भर पाया तो जन्म जन्म शिव भर मांगियो, शिव भर ही मान मिल रही है। तो शिव पार्वती एक ही है, तो एक ही कभी नहीं बिछड़ सके। अबे राजा दक्ष रे घरे माँ हवन में गया, शिव रो अपमान देखियो, माँ अग्नि प्रवेश कर परी, आपरे अंगूठा मांगड़ जल भस्म होगा भी देने त्याग दी। तो अबे माँ हेमा जल के करे जन्म ले, माँ तेसरी है बा कहीं जन्म ले, अजर अमर है पर अपन दुनिया ने दिखाण वास्ते ये लीला करी है। तो राजा हेमा जल के करे अब माँ जलमिया है, जलमिया तो साया बदाया खूब बंटी है, खूब आनंद ऊँचा हुआ है। तो बट कहीं नाराजी आया है, माँ ने पालनाम सुहाणिया है, लीला सगली करी ना बाकी पालनाम सुहाणिया है, बात तो जगत जननी है, वशिष्ठ रचवना लिए बा कहीं जन्म ले पर अपने दुनिया वास्ते सृष्टि चलाने वास्ते बतावे कि भाई यहाँ सृष्टि चाले, यहाँ जन्मे, यहाँ मरे, यहाँ हुए सगड़ा। तो बटे पालनाम सुता है, नाराजी आया है, नारायण 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 करता, नाराजी ने श्राप लागोड़े एक टिक नहीं सके। तो वह धरती माता पर कौन टीका मांगा, रमता ही रहे। माता पार्वती माता जी पूछे, पिताजी पूछे कि नाराजी आप तो ऋषि हो, ब्रह्म ऋषि हो, महाराज देखो नहीं मारे बाहर हाथ देखो नहीं किसी पर लिखेड़ो ही रहे। नारद जी ने तुठा है कि शिवजी री अर्धांगनी है, अब तो जलम ले रही है, कहीं कारण है कहीं नहीं है। तो नारद जी बोल रहा है कि भाई इन्हें वो दोष है और सब एकदम सातु गुण है, इमान है वार्ता में तो सब गुण है, पर इन्हें कहीं के भर मिली नहीं जो को मतलब यहाँ संत रूप में मिली। तो माँ बाप दुखी होगा कि भाई बेल छो यान ब्यान नंदेरी सवारी हुई, मेरे चार पेड़ नालो शमशान भगवती लगाओ संत रूप में मैंने मिली, तो पाड़ा पर सुनी थप्पड़ नालो माँ बाप एकदम उदास होगा। जब पाछा नारे के महाराज उदास मत हो, शिवजी की तपस्या करो, शिवजी की तपस्या करो, जब पार्वती अच्छो भर मिल जाए, ऐसे शिवजी सब गुणों संपूर्ण है, और शिवजी ने भर पा ले पार्वती करी तपस्या। तो शिवजी बोला, शिवजी ने पार्वती पढ़नी जाई और पार्वती अमर सुहाग हो जाए और सब सत गुण है, शिव समृत नहीं दोष गुसाई, शिव जी समृथ है, ये चीज़ हम भले ही हो पान कहने पर शिव जी समृत है, सृष्टि का रचय है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, माता पिता देखियो भाई घर में ही शिव जल चढ़ा दे पूजा कर ली, बात तो जगत जननी है, था पड़ गई छोटे सा थोड़े से मोटा हुआ कि पिताजी हाँ कि मैं तो घर में करे एक दो दिन पूजा, मैं तो शिव की पूजा करने जाऊँ और शिवरो ध्यान लगाऊं और मैं तपस्या करूं। तो माता पिता के बेटा एकली कट जाई, नंदरोई में मिंदर है बट कट जाई, तपस्या कट करी कि नहीं मैं तो एकांत में मारी तपस्या करूं, मारे इष्ट को ध्यान धरूं। माँ गया और बड़ी तपस्या करे, माँ शिव को ध्यान लगा, माँ तपस्या करे, ओम नमः शिवाय हरि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि, ओम नमः शिवाय, माँ अखंड ज्योत लगा दी, खाना पीना कोई ध्यान नहीं, अखंड जोर लगा दी। तो अब भगवान शिव जी का ही करियो कि ब्रह्मा जी ने भेजा कि ब्रह्मा जी जाओ तपस्या देखो कहीं है कहीं नहीं है, सच्ची है कि घटना मतलब ऊपरला मन की है या अंतर की तपस्या है, चाहे जार देखो। ब्रह्मा जी आया कि पार्वती जी ते क्यों ईमान बर्बाद हुआ, वो तो भोलोनाथ है, भांग पीवे, अंग बहुभूति लगावे शमशाना की, गला में मुंड की माला है, शीश पर गंगा बेवे है, मिर्गशाला पेरन है, नंदे की सवारी है और धोनी दुखावे, आको दिन बढ़ तपे इन बंगरा प्याला पीवे, बीरबाद कहीं तपस्या करो, कोई छोको घर पर दिया कि थांगे पिताजी कि महाराज आप आया जी पधार जाओ, मारी तपस्या हीण मती घालो। विष्णु जी ने भेजा कि विष्णु जी थे जाओ, विष्णु जी आया तो विष्णु जी ने वही जवाब दियो, तो कोई ऋषि मुनि महात्मा ने भेजा, ऋषि मुनि महात्मा ने वही जवाब दियो, शिव जी खुदो खुद आया है, खुदो खुद आया है, आए पर कहीं कोई जानवर रूप बन पर आया है, इरमन में दया है, इरमन में दया है, अगर ये सच्ची भक्ति है तो अब वरदान कहीं मांगे, आकाशवाणी हुई इरमा तो खुश हो अकाई वरदान मांगे, तो कोई जानवर बनायो बिने कोई मारन डुको जो पार्वता जाए पर बिने बचाई दियो, बचा जो आकाशवाणी हुई है कि पार्वता तू वर मांग, थारी तपस्या हूँ
और थारो आभार तू धर्म करो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग मांग चुकी देव फरजा जी कहीं मांगे मैं तो बार बार मारो भोलोनाथ मांगू मारे शिव री अर्धांगनी हूँ और शिव मारो पति हुए मारो अखंड सुहाग रहे और मैं अखंड सुहागण बाजू शिव जी बड़े प्रगट होगा शिव जी बड़े प्रगट होगा नहीं तो वो सिंह हो नहीं कोई शेर हो नहीं कोई जानवर हो शिव जी बनिया सिंह शिव जी आया बिन मारना लाल शिव जी आकाशवाणी कर दी और शिव जी प्रगट होगा ये अर्धा मैं थारे तपस्या पर अखंड खुश हूँ तू मांगे जो मांगे वो थारू वरदान है ना बे हेमाजल जी करे संन्यासो भेजो है भोलानाथ ये शिव जी के भाई पार्वतारी परीक्षा में पार्वता सफल है तपस्या होगी पूरी अभी मेरे पार्वतान घर लो पार्वतान जी बैठ गया घर का गाजा बाजा ले फरार सगला सज श्रृंगार और नगरी रमान बाजा बाज रहा है घर घर में मिट जो रामचंद्र जी आए ना घरे जो बाजा बाजा दिया झुपिया मिठाइयाँ हुई एंड सगा घर घर में आनंद उछा हुई जो आज पार्वता जी तपस्या करे और घर आ रहा है पिताजी घर लेने गया है सगले छोटा मोटा सब गाजा बाजा एक पग दौड़ने जगह नहीं सड़क पर इतना धूमधाम सगला लोग नई नगरी रचगी पुष्पों सजी नगरी पुष्पों सजाई दी और दीपक जल गया घर घर में दीपक जल लिया है घर घर में मिठाइयाँ हो रही है और घर घर में मेला बेचना और भाई भाई सभी नया वस्त्र पे जाए खुशियाँ मना रही है और धूम करता गाता गाजता बजाता बाजा और बारता मान बधाई नया वस्त्र पहराए एंड घर ले आए घर ले आए अब शिव जी री और पार्वती जी री सगई हुई है सगई हुई है तो सगई रमान है कोई जाने बोला कर कहीं वो कहीं भेजी अनाब शनाब तरह तरह की मिठाइयाँ तरह तरह का गहना तरह तरह का कपड़ा कुबेर भंडार खुला दियो और सब चीज़ आ गई है हिमाचल को घर भरीज को रखने जगह नहीं रही रखने जगह नहीं रही भोलानाथ कर कहीं कमी है वो तो बोलो भंडार ही है भंडार है फिर बरोड़ा खाली नहीं है पर वो आप रखने की नहीं रखे आप रखने कहीं है राख पलेटोड़ी है मेरे साला पेरन है बूढ़ो नंदियों है हैं और भंगरा प्याला पीवे गला में श्याप है मूंड की माला है और भूतान मान बैठो है भूत कौन है भूत भविष्य है वर्तमान वो वर्तमान बहुत अच्छो है शिव जीरो तपस्या करे तो शिव जी बड़े बेटा है और सगई हुई गई है अब शिव जीरो और पार्वती जी की शादी है बोल भोलेनाथ की जय। धोरारी धरोहर रा वीडियो आगे भी देखने के वास्ते ई वीडियो ने लाइक करजो चैनल ने सब्सक्राइब करजो और बेल आइकन रो बटन दबावनो मत भूलीजो। राम राम सा।